और किस्मत के भरोसे मासूम जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी यदि तुम लापरवाही बरतोगे तो तुम्हारी ही जिंदगी तुम ही से छिन जाएगी नमस्कार दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ लोग सही कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी इसीलिए हमें अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए वरना जिंदगी आपको कभी भी किसी दुर्घटना से रूबरू करा सकती है आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सड़क दुर्घटना एवं उसके बचाव जिसके लिए आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं रिटायर्ड डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विस बिहार तथा एल एन हॉस्पिटल से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच एन दिवाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में तो दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है तो आप सड़क दुर्घटना एवं हड्डी रोग के विषय में अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं जिसके लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लें एक आठ शून्य शून्य तीन चार पाँच छः एक सात एक जो कि बिल्कुल टोल फ्री है तो बेझिझक अपने प्रश्न पूछें तो डॉक्टर साहब जब तक दर्शक हमसे जुड़ते हैं हम कुछ खास चर्चा कर लेते हैं इस विषय के बारे में जी तो डॉक्टर साहब सड़क दुर्घटना आज के दौर में इतना चिंता का विषय क्यों है सड़क दुर्घटना आज के दौर में बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं एक परिवार नहीं एक समाज नहीं एक प्रांत नहीं ये पूरे देश का विषय है चूंकि आंकड़ा जो दिया गया है एक साल में करीबन पाँच लाख लोग इससे ग्रसित होते हैं जिसमें एक लाख तीस हज़ार की मौत होती है प्रति वर्ष और साढ़े तीन लाख लोग इस दुर्घटना के वजह से बहुत सारे जो हैं चोट लगते हैं जो कि जिसके कारण बहुत बार उसमें करीबन थर्टी परसेंट लोग अपाहिज हो जाते हैं इसलिए ये एक व्यक्ति का तो लॉस हुआ ही एक परिवार का भी लॉस होता है चूँकि प्राय जो है सड़क दुर्घटना मर्दों को ज़्यादा होता है बनस्बत औरतों से चूँकि मर्द लोग ज़्यादा चलाते हैं ज़्यादा एक्सपोज हैं फीमेल का करीबन थर्टी परसेंट इंजुरी में अफेक्टेड है और नौ साल से करीबन पचास साल के उम्र को सबसे ज़्यादा दुर्घटना से ग्रसित होते हैं जो कि किसी भी देश के लिए सबसे उपयुक्त लोग हैं जिसका जो है देश में उनका बहुत सारा योगदान रहता है और सड़क दुर्घटना के कारण एक देश का जैसे हमारा ग्रोइंग ये जो है देश है हम लोग नीचे से ऊपर उठ रहे हैं तो जी, जी तो जीडीपी ग्रोथ जो है जो होता है ग्रॉस प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो थ्री परसेंट अफेक्टेड होता है तो हमारा कितना लॉस हो रहा है दिल्कुल, का, दिल्कुल और एक मामूली चोट भी आता है अगर तो वो कम से कम छः से आठ हफ्ता लग जाता है भयानक इंजुरी में तो बहुत बार जान चली जाती है और बहुत बार ऐसा होता है जो चोट के कारण वो आदमी को अपना जो है वर्क जो है जो ड्यूटी करते हैं उसमें अफेक्टेड होते हैं बहुत बार बदलना भी पड़ता है इसीलिए यह बहुत ही चिंता का विषय है तो सर इससे क्या हानि है रोड एक्सीडेंट से रोड एक्सीडेंट से हानि है इसलिए कि आपको रोड एक्सीडेंट में जब गाड़ी चला रहे हैं तो चलाने वाला चालक जो होता है वो भी एक्सपोज है इंजुरी के लिए जो उनके साथ बैठते हैं वो भी है जो सामने वाला जिसमें मारा अगर जो दूसरे गाड़ी जी, आ जी। रहे हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं इसीलिए ये हानि सब तरफ से है बहुत बार ऐसा भी होता है कि रोड के किनारे अगर बहुत सारे ढाबा या लोग हाँ वो लगाए रहते हैं तो कभी कभी वे लोग भी इस चपेट में आ जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका बहुत बार मौत भी हो जाता है इसलिए हानि है और दूसरी चीज है कि इस एक्सीडेंट में ये कहना मुश्किल है कि चोट कहाँ पर लगे चूंकि ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह ही शरीर में चोट लगेगा चोट हेड इंजरी हो सकता है फेस का इंजरी हो सकता है आपको गर्दन का चोट सबसे कॉमन है चूंकि गाड़ी अगर आप स्पीड में चला रहे हैं और एक एकाएक रुकावट हुआ तो होता क्या है कि आपको नहीं पता है शरीर का जो ये अंग है जो गर्दन वाला पार्ट है ये हवा में है तो आपका सर आगे पीछे फिर आगे जिस स्पीड से आप चला रहे हैं उससे दुगना स्पीड से वो आगे जाता है तो वो जो चोट जो इम्पैक्ट पड़ता है माथे ब्रेन में भी पड़ता है गर्दन में भी पड़ता है जिसको विपलेस इंजुरी बोलते हैं हेड इंजुरी में बहुत सारे कॉमन है चूँकि सामने में स्टेरिंग है चाहे ये है।, है अगर वो मैंने हैंडल पकड़े हुए हैं तो आपका अगर माथा में लगा तो डायरेक्ट इसमें चोट लग सकता है कभी कभी चलाने वाला जैसे आप देखते होंगे गाड़ी चला रहे हैं और खिड़की खुला हुआ जी। तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि जो आप मोबाइल रखे हुए हैं या कोई सामान रखा हुआ है वो मिसाइल की तरह आता है इतनी स्पीड से आता है और वो अगर आपको चोट लगा तो उसके वजह से भी इंजरी हो सकता है बच्चा को अगर आप आगे बैठा दिए हैं बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं पीछे बैठा दिए हैं और सडन अगर एक्सीडेंट होता है वो बच्चा एक तरह से समान के तरह आगे जाता है या पीछे पीछे जाता है तो हानि इस तरह का है और जैसे गर्दन चोट लगा हाथ में चोट लग सकता है कट सकता है आपका पैर में चोट लग सकता है स्पाइनल इंजरी हो सकता है स्पाइनल इंजरी में चाहे तो आपका वटेबरा टूट जाए रीढ़ की हड्डी या कभी कभी जो स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है जिसके वजह से अपाहिज हो जाता है लोअर लिम में जो पैर में कुल्हा टूट जाता है ये जितना भी मैंने जांग का हड्डी हुआ पैर का हड्डी हुआ ठेहुना हुआ ये सब टूट जाते हैं कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो ब्रेक में पैर रहता है उसके कारण जो है वो अगर बर्स्ट करता है तो बैटरी रहता है वहाँ पर मशीन रहता है उससे वो जल सकता है तो वो भी एक तरह से अपाहिज हो जाता है तो हानि इससे ये है दूसरा हानि क्या है कि उसका इलाज इलाज जो है वो आपको अगर तुरंत वहाँ नहीं हुआ चूंकि किसी भी रोड एक्सीडेंट का प्रथम इलाज उसी स्पॉट पर होना चाहिए एक एक मिनट उसके लिए वेलेबुल है क्योंकि एक मिनट का भी देरी कभी कभी ऐसे केसेस में लाइफ और डेथ मैंने जीवन और मरण का विषय तो सबसे पहला क्या देखना चाहिए प्राथमिक प्राथमिकता तो प्राथमिक उपचार होने से बहुत सारा कठिनाई बच सकता है सर तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए प्राथमिक उपचार देखिए दो तरह का एक तो है चिकित्सा और एक है लॉ सिस्टम बनाना और एक है कि आपका रोड एक्सीडेंट कम कैसे हो उसके लिए करना है चूंकि डब्ल्यू एच ओ यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 2030 अभी हम 2022 में हैं 2030 में चूंकि आधा जो है एक्सीडेंट का रेट आधा करना है समझ रही है? जी जी चूंकि 50 मिलियन पीपल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड अफेक्टेड हो रहे हैं तो हो रहा है कि आप ऐसा इसका सुचारू रूप कीजिए कि एक्सीडेंट का रेट आधा हो जाए 2030 तक जिससे कि जैसे हमारे देश में पांच लाख लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उस समय अगर अढ़ाई लाख हो गए उतना जान तो बचा जी उतना एक्सीडेंट बचा उसका डेथ रेट, कम रेट कमेगा उसका इकोनॉमी जो है बचा उसका घर का खर्च नहीं हुआ या सरकार पर जो बोझ आता है वो नहीं हुआ तो एक वो है प्राथमिक उपचार ऑन द स्पॉट ये ट्रेन करना पड़ेगा कि ट्रॉमा सेंटर जगह जगह रहना चाहिए खास करके वैसे वैसे जो मेन हाईवे है या बिजी रोड है जी। वो ट्रॉमा सेंटर का एक बनाना बहुत जरूरी है देश में हर एक जगह एक हाईवे में और जहाँ पर कि ऐसे ट्रेन लोग रहें जो ऑन द स्पॉट जाकर के एम्बुलेंस कुछ करे बाकी को वो ट्रॉमा सेंटर ले आए ट्रॉमा सेंटर से नहीं हो तो उससे बड़ा अस्पताल में ले जाए एक एक ऑन द स्पॉट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है मरीज को निकाल करके सेफ जगह पर रखना जी, एक सही जगह पर लेटा दीजिए जिससे कि सर वही आ, मैं सवाल करना चाहूंगी जर, कि जब जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर या किसी एम्बुलेंस को आना चाहिए उसको ट्रॉमा सेंटर तक पहुँचाना चाहिए तो सर उससे पहले जो चीज़ होती है भीड़ उमड़ती है किसी भी एक्सीडेंट की जगह पे अगर हम आम बात करें तो तो उस भीड़ में एक प्राथमिक उपचार पहला स्टेज जो होता है इमिडिएट क्योर क्या लेना चाहिए कि उस पेशेंट को हम जान उसकी जाने से उसको बचा सकते हैं हाँ है। सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो जो भी भीड़ है पब्लिक को एक अवेयरनेस होना चाहिए कि मरीज जैसे अगर वहां पर चोट लगा उसको मरीज जो भी वहां ग्रसित है उसे सेफ जगह पर लिटा दें और सबसे पहले देखना चाहिए एयरवे सांस ले रहा है कि नहीं इसलिए कि सांस लेना सब वाइटल चीज है तभी आदमी जिंदा रहता है जरूरी दूसरा चीज होता है कि अगर कटा हुआ है या कहीं टूटा हुआ है घाव है ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोक देना चाहिए सर तो इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे पहले हम बात कर लें जी आप अपना नाम बताए हलो जी आप अपना नाम बताइए जी आप, आप, आप कहाँ से बोल रहे हैं जी तो आप अपना प्रश्न पूछे यह है कि जब मैं कार चलाता हूँ तो मेरा जब ब्रेक वेक मारना पड़ता है मुझे एक्सलेटर पैर रखना पड़ता है तो पैर मेरा झील 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 करता है जब चलता हूँ तो बार बार मुझे रुकना पड़ता है रास्ते में ठीक है और कोई भी परेशानी के लिए एकदम फिट हो जाता है पानी के लिए बहुत दिखा हो गया जी आपने क्या पैर में आपके चोट ब्रेक मारने पे आती तो दिति है पैर में कुछ प्रॉब्लम होता है ब्रेक मारने पे जब गाड़ी चलाते हैं तो आप सबसे पहले किसी स्पाइनल सर्जन से मिलें या नस के डॉक्टर से मिलें या हड्डी के डॉक्टर से मिलें चूंकि आप जब बता रहे हैं झुंझुनी मार रहा है इसका मतलब आपको प्रॉब्लम लोअर स्पाइन में है और आपका नस दबता है वैसे हालात में जो आपको दिखलाना पड़ेगा जानना पड़ेगा कि वो नस कहाँ अफेक्टेड है उसका इलाज होना चाहिए दूसरी चीज़ है कि अगर आपका कोई कमजोरी है ब्रेक दाबने में तो कृपया आपको जो है गाड़ी चलाना नहीं चाहिए या बहुत ज़रूरी है तो कोई दूसरे चलाए आप बैठें चूँकि उसमें जो झुंझुनी जुन मार रहा है अगर आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो रोकने के बजाय कभी कभी ओवर स्पीडिंग हो जाएगा या रुकेगा नहीं तो इससे दुर्घटना हो सकता है जी तो सर हम बात कर रहे थे प्राथमिक उपचार के बारे में तो जैसे आपने कहा कि आ, सांस लेना बहुत जरूरी है कि पहले ये चेक करना चाहिए जी सर, सांस लेना जरूरी है जहाँ आप चोट लगा है अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे बांध देना चाहिए अगर बहुत तेज ब्लीडिंग है तो हार्ट के लेवल से ऊपर पैर को या हाथ को रख दीजिएगा ब्लीडिंग कम होगा कम होना ही होना है एक डेढ़ मिनट में कम हो जाएगा अगर कोई वहाँ पर दवा खाना है जी, चाहिए जी। है तो दर्द की सुई देनी चाहिए जो घाव है जो पट्टी बांध दे साफ कपड़े से भी पट्टी बांध देना चाहिए इससे जो है जब तक एम्बुलेंस आता है वो अब उसको बहुत ही आसान होगा हाँ आगे का प्रोसीजर बढ़ाने में जी तो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी डॉक्टर साहब ने आ, सर तो जैसे आपने कहा प्राथमिक चिकित्सा के बारे में उसके बाद पेशेंट्स तो हॉस्पिटल जाएंगे तो सर वो काफ़ी ट्रामा में भी रहते हैं तो मेंटली आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसे केसेस को इसमें मेंटली का को कोई बात नहीं है कोई भी अगर एक्सीडेंट का केस अगर आया है जी तो पहले एग्जामिन करते हैं इन्हें पहले देखते हैं कि मरीज बेहोश है कि होश में है अगर मरीज होश में है तो वो खुद बताएगा कहाँ दर्द है कहाँ चोट है और हम लोगों का फोकस उधर है जी। मरीज अगर बेहोश है तब आपको ऊपर से नीचे देखना है कि चोट कहाँ लगा है माथे में चोट है जिसकी वजह से बेहोश है या चेस्ट में चोट है और ये अंदर ब्लीडिंग बहुत हो गया है जिससे हार्ट आपका रुक रहा है वो नहीं बोल सकता है या ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि मरीज शौक में है Hmm. तो सबसे पहला चीज हम लोग जो करते हैं ट्रॉमा सेंटर या किसी अस्पताल में जो करना चाहिए सबसे प्रथम चीज है एयरवे अगेन एयरवे देखना चाहिए अगर अंदर कुछ भी जमा है उसे साफ करना चाहिए अगर मरीज बेहोश है तो इंट्यूबेट कर देना चाहिए ऑक्सीजन देना चाहिए एक नंबर वन नंबर टू है कि एक लाइफलाइन है नस नस खोज करके उसमें नीडल डाल देना है और पानी चलाना है वो फ्लूड हम लोग चलाते हैं रिंगल लैक्टेट हो जो भी मिले चूंकि जो लाइफ सेविंग है जो ब्लड लॉस जो हुआ है वो ब्लड लॉस को जब तक ब्लड का इंतजाम नहीं हो जाता है हम लोगों को फ्लूइड देना है चाहे हम लोग के भाषा में होता है क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड क्रिस्टलॉइड हो गया मैंने नॉर्मल सलाइन हो गया बहुत तरह के आते हैं ग्लूकोसलाइन है रिंगल एक्टेड है और कोलोइड हो गया कि नहीं मिल रहा है तो हम लोग जो है, हैं हिमैक्सेल वगैरह देते और ब्लड का सैंपल लेकर भेजते इमीजिएट ब्लड देना है ताकि अगर ब्लड लॉस हुआ है तो इस बीच में तब हम लोग एग्जामिनेशन करवाते हैं तो सबसे जहाँ पर अगर सीटी स्कैन का व्यवस्था है तो उससे फायदा यह होता है कि ब्रेन का नेक का या किसी कहीं भी फ्रैक्चर तुरंत देख लिए। अगर जहाँ सीटी स्कैन का नहीं है तो वहां पर एक्सरे से होता है और हम लोग उस अनुसार इलाज करते इलाज हैं।, हैं। चूंकि अगर फ्रैक्चर है तो सबसे पहला चीज क्या है उसको रेस्ट में देना है रेस्ट में देना है तो स्प्लिंट दीजिए चाहे प्लास्टर दीजिए चाहे तो so, पहले हम लोग स्प्लिंट ही देते हैं जी जी और बाद में हम लोग जो है डेफिनेटिव इलाज करते हैं so, इस पे हैं। हम बात करेंगे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहले उनसे बात कर ले हाँ जी अपना नाम बताइए जी दीपक कुमार हुआ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं मोकामापुर प्रखंड से जी अपना प्रश्न पूछिए मेरा सवाल ये है मेरा कि 5 महीना पहले मेरा घुटने चोट लग जाने के बाद जी प्रश्न चोट छावने में पैर के बाद ना पैर के छावने में चोट लग जाने के कारण जी हुआ कि हम कुछ तो दिन इलाज करवाया वो तो लेकिन लोगों गांव के जो डॉक्टर थे दवा वगैरह खाएं कुछ आराम हो गया फिर जब उसको छोड़ दिए तो चलने बुलने लगे तो जिसे टेटेनिक नंका बता है जी डॉक्टर है है जी साहब क्या आपका एक्सरे एक्सरे हुआ है? अगर एक नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो में फ्रैक्चर है नहीं, नहीं है डॉक्टर बोले कि हल्का चोट लगा हुआ है हाँ तो चोट लगा हुआ होगा इसका मतलब है अगर फ्रैक्चर नहीं भी है तो आ, सड़क दुर्घटना में चारों तरफ जो है मांसपेशी रहता है उसमें भी चोट आता है वो भी उतना ही समय लेता है जितना वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कि फ्रैक्चर उसका इलाज होना चाहिए जो डॉक्टर साहब आपको कहे होंगे कि कुछ दवा दिए होंगे और कहे होंगे कि आपका इसका एक्सरसाइज करना चाहिए तो जहाँ तक अंगुली का स... मैंने पैर की उंगली का अंगूठा का सवाल है वो उसमें जो है ठीक होने में कोई समय नहीं लगेगा नी जॉइंट में जहाँ चोट है उसमें अगर दर्द से परेशानी होगी चलने में दिक्कत होगा तो आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना होगा एम आर आई करा कर देखना होगा कि अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो कभी कभी अंदर में नस एक होता है वो टूट जाता है अब वो अगर टूट गया है तो वो एम आर आई से ही पता चलता है तब उसका इलाज उसी ढंग से किया जाता है तो सर हम आप बता रहे थे कि रोड एक्सीडेंट्स के इंजरीज में कैसे आप उसका इलाज करते हैं सर आपने ये भी बताया कि नौ से पंद्रह साल के बीचों में सड़क सड़क दुर्घटना की ज़्यादा केसेस आते हैं पचास साल के बीच में तो सर इनमें से सर ऐसा किन लोगों के साथ आप ऐसा ज्यादा केसेस देखते हैं जहाँ सड़क दुर्घटना की शिकार होते हैं चूंकि देखिए ये जमाना जो है अब आपका पॉपुलेशन भी बढ़ा हुआ है और समाज मोटराइजेशन ज़्यादा हो गया है यंगर एज ज़्यादातर जो हैं वो डिपेंड करते हैं साइकिल पर मोटरसाइकिल पर उससे कुछ बढ़ता है तो कार्स पर तो ये लोग कौन चलाते हैं यंगर एज यस yes, तो यंगर एज है और सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा किसको होता है जो रोड पर चल रहा है उसको जो साइकिल पर चला रहा है उसको चूंकि वो एक्सपोज है वो खुला हुआ है आप मोटरसाइकिल चलाता है उसको कार चलाने वाले को भी होता है तो इसीलिए हम ये जो आंकड़ा देखा गया है कि यंगर एज लोग ज़्यादा चलाते हैं उनको दुर्घटना के शिकार ज़्यादा होते हैं चूँकि दुर्घटना में तीन लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं पेडेस्ट्रियन मोटर मोटरसाइकिल साइकिलिस्ट उसके बाद कार वाले को भी है उनका भी चोट होता है जो बैठने वाले हैं उनका भी चोट होता है मेजॉरिटी चूंकि मर्द चलाते हैं इसलिए सेवेंटी परसेंट देखा गया है कि उन लोगों को ज्यादा होता है फीमेल से लेकिन आजकल फीमेल भी चलाती हैं स्कूटी चलाती हैं दे आर मोर एक्सपोज तो और जिस तरह से गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाएगा जी। तो एक्सीडेंट दुर्घटना का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है स्पीड सबसे मेन कॉज माना गया है सबसे सर ये कह सकते हैं आपके से। से मेरे समझ तीन चार कॉमन कॉज है जी एक तो है चूंकि शुक्र है बिहार में शराब बंदी होने से थोड़ा शराब पीने पी कर चलाने वाले की गिनती बहुत कम हो गई है इसलिए मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसको देखा भी हूँ जब मैं डायरेक्टर था कि इससे जो है पहले जो रात में लोग दारू पी करके के गाड़ी चलाते थे एक्सीडेंट होकर के अस्पताल पहुँचते थे वो रेट कम हुआ है फिर भी कुछ लोग ऐसे बेकूफ़ लोग जो हैं दारू पी कर चलाते हैं एक्सीडेंट का रेट बढ़ता है चूँकि दारू पीने में एक लेवल होता है जीरो पॉइंट जीरो फोर ग्राम मिलीग्राम जो है अगर उससे अल्कोहल बढ़ेगा तो आपका जो है डिसीजन मेकिंग जो है ब्रेन काम कम करता है तो आप उससे एक्सीडेंट बढ़ता है दूसरा बहुत से लोग होते हैं दवा खा ड्रग ले करके ड्रग लेकर के गाड़ी चलाते ये सोच के कि हमको जो है मजा लेना है उसमें भी एक्सीडेंट ज्यादा होता है जी। तीसरा स्पीडिंग गाड़ी का स्पीड जो है चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार्स हो चाहे उससे बड़ी गाड़ी हो लोग हाई स्पीड में चलाते हैं स्पीड जितना भी चलेगा हम सर इसको आगे जरूर बढ़ाएंगे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका प्रश्न सर लें जी अपना नाम बताइए हाँ हा, जी अपना नाम बताइए मैं बोल रहा हूं। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप चंडीगढ़ जी जी अपना प्रश्न पूछिए हां मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर बोलिए मैं जल्दी करके बोल रहा हूँ मैडम जी सर अपना प्रश्न पूछिए राम कृपाल कर दिया जी आपका तो प्रश्न क्या है बैक में जो है कमर में जो दोनों गांठ होते हैं नीचे उसमें मेरे कमर में हाँ आप प्रश्न पूछिए अपना आपकी आवाज आ रही है हाँ मेरे कमर में दर्द होती है जी जी लेफ्ट साइड जो गांठ होती है ना कमर में जी वहाँ जो दर्द उठता है हाँ तो नीचे पैरों तक तो जाती है अगर मैं वॉकिंग पे जाता हूँ तो दो सौ मीटर अगर जाऊंगा तो फिर तो 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 जो, जो की आगे चला नहीं जाता मुझे जी लगता है पैर में जो है नजर पड़ जाएगी जी जी फिर मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ सर तो इस पे तो रिलैक्स मिल जाता फिर मैं चलना शुरू कर देता हूँ थोड़ा जी जी देखिए मैडम ये क्या है मुझे ये नहीं मुझे पता मैंने आपको को भी दिखाया जी डॉक्टर साहब बताएंगे देखिए आपको ये एक्सीडेंट नहीं ना हुआ है नहीं नहीं हाँ तब मेरी बात सुन लीजिए आपको जो प्रॉब्लम है वो आपके स्पाइन में है स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में एक मांस होता है उसको डिस्क बोलते हैं वो डिस्क निकल गया है और नस के चारों तरफ मांस पूरा बना दिया है और बाएं साइड का जो गांठ आपका कमर के नीचे है उसके जो नस है उसको दबा रहा है और उसी कारण से आपका पूरा पैर में झंझनाता है या आप चल नहीं सकते हैं आपको सबसे पहले एम कराइए और स्पाइनल सर्जन से मिलिए स्पाइनल सर्जन से मिलकर एम कराइए 200 मीटर नहीं चलने का मतलब है कि आपका नस जो है बिल्कुल जो है दब गया है वैसे केसेस में अगर एक्सरसाइज या दवा से नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपकी उम्र कितनी है जी सर हम वापस उनसे बात करेंगे अभी वो हमसे कट हो गया है तो सर आप बात कर रहे थे कि क्या क्या इंजरीज के बारे में और साथ ही साथ अल्कोहल स्पीड इन नंबर वन अल्कोहल हुआ स्पीड हुआ बहुत से लोग होते हैं समय को बचाने के चलते रेड लाइट को क्रॉस करते हैं और उस समय स्पीडिंग करते हैं कि हम निकल जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसा करने वाले अपने लिए तो खतरा है ही लेकिन जो सामने से जो गुजर रहे हैं जो ऑपोजिट साइड से जहां ग्रीन सिग्नल हुआ है उनके लिए भी खतरा हो जाते हैं यह हो गया तीसरा चीज होता है डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप अमूमन देखिएगा कि लोग कान में गाना लगाने वाला लगा लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं यस सर वो सबसे खराब चीज है जी। वो तो एक तरह से बैंड हो जाना चाहिए क्योंकि आदमी डिस्ट्रैक्टेड उससे हो गया या गाड़ी में गाना बज रहा है उससे हो गया या कुछ लोग क्या करते हैं गाड़ी चला रहे हैं कार चला रहे हैं उस समय मिरर को सोचते हैं बदल लेंगे नहीं करना चाहिए जो आपको करना है ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज होता है सीट बेल्ट सीट बेल्ट का आंकड़ा है कि सीट बेल्ट लगाने से 50 परसेंट एक्सीडेंट का रेट कम हो गया यह आंकड़ा प्रूफ है जर्नल मैंने डाटा है यह और टू व्हीलर चलाने वाले अगर हेलमेट पहनते हैं तो 60 परसेंट हेड इंजरी बच जाता है कम से कम सीरियस तो नहीं होता है जी। ये हम नहीं कहेंगे कि हेड हेलमेट लगाने से अगर आप हंड्रेड माइल के स्पीड पर मोटरसाइकिल तो चला बच रहे हैं जाएंगे। तो हो सकता है ये हाँ, हो सकता है नहीं कूद सकता है लेकिन ये है। बचाव ये प्रूव्ड है बचाओ और हमारे यहाँ ये दो चीज का थोड़ा जागरूकता हुआ है जी। कि अब जो है इसको ये लॉ को और इन्फोर्स करना चाहिए लॉ और कड़ा करना चाहिए जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो फिर तीसरा कारण होता है आपको ये रोड्स अगर रोड्स आपके ठीक नहीं हैं तो, तो आपका जो है एक्सीडेंट बढ़ेगा जी तो सर ये आपने का मेन कारण बताएं रोड सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए जो काफी महत्वपूर्ण थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों इस पे ध्यान देंगे तो सर आप यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। तो दर्शकों आज हमने बात की सड़क दुर्घटना एवं उसके बचाव के बारे में अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें नमस्कार <laughs> नहीं सर नहीं नहीं। एक पता नहीं वो जो एक्चुअली दोबारा जो क्वेश्चन